हेलो चिल्ड्रन टुडे वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश चलिए लेट्स स्टार्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस चार होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं लेट्स लेट्स बिगिन चेक दी सेंटेंसेस अभी मैं फोर सेंटेंसेस पढ़ रही हूँ आर कैरेट्स द बेस्ट स्नैक्स अराउंड आई थिंक दे आर कैरेट्स आर वेरी क्रंची एंड टेस्टी रिमेंबर टू ईट कैरेट्स एवरी डे तो यहाँ पर मैंने चार सेंटेंसेस पढ़े हैं देखेंगे आप इसमें कि इन सेंटेंसेस के पीछे जो हमने पंक्चुएशन मार्क लगाया है वो भी डिफरेंट है जैसे आर कैरेट्स द बेस्ट स्नैक अराउंड इसके पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है और जब मैंने ये सेंटेंस बोला आई थिंक दे आर यहाँ पर मैंने एक्सप्लमेट्री मार्क लगाया है और बाकी के दो सेंटेंसेस जैसे कैरेट्स आर वेरी क्रंची एंड टेस्टी इसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया है और फिर एक सेंटेंस है रिमेम्बर टू ईट कैरट्स एवरी डे इसके बाद भी मैंने फुल स्टॉप लगाया है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन सेंटेंसेस के पीछे ये पंक्चुएशन मार्क भी क्यों चेंज हुए हैं और ये कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं और ये कैसे यूज होते हैं चलिए सीखते हैं इन इंग्लिश देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो हम फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट हम देखते हैं जो हमारा सेंटेंस था आर कैरेट्स द बेस्ट स्नैक अराउंड तो इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आस्क अ क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे इंटेरोगेटिव का साइन ये क्वेश्चन मार्क होता है इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं और हम और सेंटेंसेस देखते हैं जहां पे भी हम कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल वेर आर यू गोइंग विल इट रेन टमोरो वट टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल वी लर्न नेक्स्ट इन तीनों में आपने नोट किया होगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क हमने लास्ट में लगाया है और इनमें हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसीलिए इनको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं चलिए फिर देखते हैं हम सेकंड वाला सेंटेंस जिसमें लिखा था आई थिंक दे आर और ये एक साइन लगाया था जिसको हम एक्सप्लिटरी मार्क कहते हैं तो इसको हम एक्सप्लोमेटरी सेंटेंस कहते हैं एक्सप्लोमेटरी सेंटेंस में ये मार्क लगता है जिसको हम एक्सप्लोमेटरी मार्क कहते हैं और इन सेंटेंसेस में इमोशन होते हैं मतलब कि ऐसी स्टेटमेंट जो हम विद इमोशंस अटर करते हैं जैसे ये सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं टू शो सरप्राइज एंगर जॉय और हैप्पीनेस मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू शो सरप्राइज एंगर और जॉय और हैप्पीनेस और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क उसके बाद हम लगाते हैं ये हम कभी कभी सेंटेंस के एंड में लगाते हैं या हम कभी कभी कुछ वर्ड्स के बाद भी लगाते हैं क्योंकि वो वो वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही यूज़ होते हैं जैसे वाओ हु अब हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस जो हम विद इमोशन बोलते हैं तो उनके बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे जैसे यू केम टू माय पार्टी इसमें मैंने विद इमोशंस दिखाया अरे तुम आए थे सरप्राइज किया है मैंने दिखाया है तो मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है और देखते हैं आई कांट बिलीव आर टीम लॉस द गेम कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हमारी टीम हार गई आई होप आई कैन गो टू दार्क टूडे यहाँ पे भी हम इमोशन दिखा रहे हैं कि काश मैं चली जाऊँ आज अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिकलेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम सीधा स्टेटमेंट बुनाते हैं लेकिन इसमें इमोशंस नहीं होते यहाँ पे हम सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं देखिए ऐसी डॉट लगी होती है सेंटेंस के बाद में जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कैरेट्स आर वेरी क्रंची एंड टेस्टी यहाँ पे हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं और हमने लास्ट में फुल स्टॉप बताया लगाया है और देखते हैं द हाउस इज रेड यहाँ पे हमने सिर्फ हाउस के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है इसीलिए हम डिक्लेयर कर रहे हैं कुछ चीजें तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है और देखते हैं वी रीड एवरी आफ्टरनून हम हर आफ्टरनून में रीडिंग करते हैं एंड आई हैव टू डॉग्स एंड वन कैट ये सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं अब हम देखते हैं हमने थ्री सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं अब फोर्थ वाला टाइप हम इम्पेरेटिव सेंटेंस अभी देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस भी एक सिंपल uh, सेंटेंस ना होते हुए एक स्टेटमेंट होती है जो कि हमें कमांड या रिक्वेस्ट करता है मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें कुछ ऑर्डर दिया जाता है या फिर कोई रिक्वेस्ट की जाती है इनके बाद भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल रिमेम्बर टू ईट कैरट्स एवरी डे यहाँ पर फुल स्टॉप हमने लगाया है और ये हमें कमांड दी जा रही है ऑर्डर दिया जा रहा है कि हमें याद रखना है कि हमें कैरेट्स हर रोज़ खानी है तो ऐसे जिसमें ऑर्डर दिया जाता है कमांड दिया जाता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं फिर देखते हैं एक और सेंटेंस ऑर्डर मोर पेंसिल्स मतलब सीधा ही वर्ड ऑर्डर आ गया है कि आपको कमांड किया जा रहा है ऑर्डर दिया जा रहा है कि और पेंसिल्स मंगाओ और या फिर अगर सेंटेंस में ये लिखा है प्लीज़ फीड माई गोल्ड फिश यहाँ पे आप प्लीज़ वर्ड लगा रहे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको हम इम्पेरेटिव में डालेंगे सेंटेंस को चलिए फिर से रिवाइज़ करते हैं कि हमने कौन से चार सेंटेंसेस आज पढ़े हैं पहले हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस फिर हमने देखा एक्सक्लमेटरी सेंटेंस फिर हमने देखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस फिर हमने देखा है इम्पेरेटिव सेंटेंस आई होप आपको आज की आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई अगर ऐसी और इंफॉर्मेशन इंग्लिश की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बाय